Hey guys, most welcome to another interesting and most awaited video. And guys, अगर आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो बिल्कुल कर सकते हो। चलो कोई नहीं guys, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में मैं गेम प्ले करने वाला हूँ एक ऐसे गेम का जो कि इंडिया का एक पॉपुलर गेम है। एंड आप इस गेम को बेस्ट GTA 5 लाइक गेम या फिर बेस्ट गैंगस्टर गेम भी कह सकते हो, जिसका नाम लॉस एंजेलिस क्राइम है। क्योंकि तो इस गेम में आपको कई सारे अलग अलग टाइप के मिशन करने को मिलता है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक रॉबरी वाला मिशन करके दिखाऊंगा। एंड गाइस, जो भी लूट वाला पैसा होगा उससे मैं कोई तगड़ी से सुपर कार या फिर कोई बड़ा सा मेंशन बाय करूंगा। ओके, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या ही करे यार, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, एक और चीज, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे अवेलेबल है, जाके फॉलो कर लो, वहां पे आप मेरे से बातें भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी गेम को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, गेम का पहला नजारा कुछ इस टाइप का निकल के आता है। एंड यहाँ पे एक अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ एक बहुत बड़ा ओपन देखने को मिल रहा है। एंड आसपास में कुछ व्हीकल भी हैं जिन्हें मैं बाद में ड्राइव करूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं मोबाइल फोन भी चला सकता हूँ। ओके गाइस, तो शायद से मोबाइल फोन मुझे रॉबरी करने में हेल्प कर दे। ओके, तो इसको एक बार से ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स है। एंड गाइस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में एक दो नंबर हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, सेटिंग में चलते हैं। एंड गाइस, सेटिंग में मोबाइल को मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, मतलब इसके कलर या फिर साइज को घटा बढ़ा सकता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे कैमरा भी देखने को मिल रहा है। एंड इस कैमरा की क्वालिटी तो काफी सही है, जो कि मेरे मोबाइल से भी काफी ज्यादा है। गाइज, अभी इन सारी चीजों को साइड में करके बैंक रॉबरी करते हैं एंड इस गेम के मिशन को कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद तो ढेर सारा पैसा होगा ही। ऑलराइट गाइज, तो मुझे इस बैंक रॉबरी में इस कार को ड्राइव करना होगा, जो कि ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है। ऐसा कहीं ना हो कि बैंक रॉबरी करने के बाद ये कार रास्ते में बंद हो जाए एंड पुलिस वाले मेरी ऐसी की तैसी कर दे पीट पीट के। ओके, तो इस कार में बैठते हैं एंड इसको ड्राइव करते हैं, तभी इसकी स्पीड एंड कंट्रोल पता चलेगा। ओके गाइस, तो इसका कंट्रोल टोट सही देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे कोई भी बग या फिर लैग इशू फेस नहीं हो रहा इसको ड्राइव करने टाइम। एंड इसकी स्पीड भी सही है। एंड गाइज, फाइनली मैं आ चुका हूँ बैंक के पास। एंड अभी इस कार से निकलते हैं एंड आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह भी है। ओके गाइज, तो ये बंदा इधर क्यों भाग रहा है? एंड एक बार से इसके पीछे चल के देखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो शायद ये मेरा पार्टनर है जो कि मुझे इस बैंक रॉबरी में हेल्प करेगा। बट वेट, यहाँ पे काफी सारी मिलिट्री की पोस्टिंग हो रखी है एंड ये लोग गेट पे ही है। ओके, तो इस बैंक में कैसे एंटर करना है वो मुझे देखना होगा। ओके, तो इस बंदे के पास फिलहाल चलना है। ऑलराइट गाइज, तो इसने यहाँ पे रोप लगा दिया है एंड इस रोप की हेल्प से मैंने यहाँ पे दीवार को टाप दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारे गार्ड की पोस्टिंग हो रखी है एंड ये सारे मिलिट्री वाले अभी कुछ बातें कर रहे हैं। ओके, तो उन लोगों ने मुझे अभी तक नहीं देखा एंड ये रहा बैंक। एंड गाइस, अभी फिलहाल मुझे इस बंदे के पीछे जाना होगा जो कि मेरा पार्टनर है। ओके, तो वो शायद से रास्ता ढूंढ रहा है इस बैंक में घुसने का। ओके गाइस, तो ये कुछ बोल रहा है एंड अभी ना मैं इससे बातें करता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे फिलहाल पता चल चुका है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा सिक्योरिटी कैमरा है, तो मुझे उन सब से बच के बैंक में घुसना है एंड लूट को कंप्लीट करना है। वेल गाइस, उस बंदे ने तो एक तगड़ी वाली हेल्प कर दी है। ओके, तो उसने मुझे वेपन दे दिया है एंड इस वेपन की हेल्प से अब मैं आसानी से बैंक के सारे पैसे उड़ा सकता हूँ। ओके गाइस, तो फिलहाल इस डोर को ओपन करते हैं एंड अभी ना मैं किसी अंधेरे कमरे में आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे डोर वगैरह का पता नहीं चल रहा है। ओके, तो फिलहाल मुझे सीढ़ी पे चढ़ना है एंड एक बार से मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं फंस चुका एंड काफी ज्यादा ब्लड भी निकल चुका है। गाइस, अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी डोर को ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पे कभी भी पुलिस वाले या फिर मिलिट्री वाले आते होंगे। ओके, तो ये रहा डोर। एंड गाइस, ये बंदा यहाँ पे मेरा वेट कर रहा था एंड ये मुझसे कुछ बातें भी करना चाहता है। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं आगे चल के देखता हूँ। एंड वेट, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। एंड गाइस, अगर इस कैमरे में मेरी फुटेज आ जाती है या फिर इस बंदे की, तो यहाँ पे कभी भी सिक्योरिटी वाले आएंगे एंड हमारी खतरनाक तरीके से बैंड बजा जाएंगे। एंड गाइस, अभी सबसे पहले मुझे इस कैमरे को डिस्ट्रॉय करना होगा इस पिस्टल की हेल्प से। ओके, तो ये रहा सामने डोर, अभी डोर के पास चलते हैं। एंड गाइज, इसके बाद बस एक कमरा होगा जहाँ पे सारा पैसा रखा होगा, बस मैं कुछ ही दूर हूँ अपने मिशन को कंप्लीट करने से। ओके, तो ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। बट गाइज, ये रास्ता नहीं है शायद से कमरे में जाने का। ओके गाइज, तो शायद से ये रास्ता है लॉकर रूम में जाने का। एंड गाइज, फाइनली आ चुका हूँ लॉकर रूम में। बट वेट, यहाँ पे अलार्म एक्टिवेट हो चुका है, मतलब गाइज यहाँ पे कुछ ही टाइम में कोई सा मिलिट्री गार्ड या फिर सिक्योरिटी गार्ड आता होगा। एंड गाइज, शायद से यहाँ पे लेजर लाइट भी लगा हुआ है, मतलब मुझे यहाँ पे गंदी तरीके से डैमेज पड़ने वाली है। ओके, तो एक बार इसमें आगे जाके ट्राई करता हूँ, शायद से ये कैमरा फूट जाए, बट यहाँ पे ये टूट नहीं रहा है। एंड ये बंदा इस रेलिंग को टाप के आगे जा चुका है, एक बार इसमें अभी ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे काफी डैमेज हो रही है, एक बार इसमें और ट्राई करता हूँ। एंड गाइज, फाइनली मैं रेलिंग टाप के आगे जा चुका हूँ। एंड गाइज, अभी ना मुझे इससे बातें करनी होगी। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये मिशन काफी हार्ड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ ही टाइम में सिक्योरिटी गार्ड या फिर मिलिट्री वाले आते ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पासवर्ड डाल के इस डोर को ओपन करने का ट्राई कर रहा है। एंड गाइज, बस कुछ ही टाइम में यहाँ पे ये डोर ओपन होने वाला है, जिसके बाद ढेर सारा पैसा देखने को मिलेगा एंड उसके बाद तो हम लोग काफी मिलियनेयर बन जाएंगे। ओके गाइस, तो ये बंदा ट्राई कर रहा है यहाँ पे पासवर्ड डाल के इस डोर को ओपन करने का। ओके, तो यहाँ पे ये डोर ओपन हो चुका है एंड गाइस यहाँ पे ढेर सारा पैसा देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, तो ये बंदा यहाँ पे सारा पैसा बैग में डाल रहा है। ओके वेट, यहाँ पे मिलिट्री वालों को इन्फॉर्म हो चुका है एंड यहाँ पे वो लोग कुछ ही टाइम में आते होंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बंदा जल्दी जल्दी से पैसा सारा बैग में डाल रहा है। एंड गाइस, अभी मुझे जल्दी से जल्दी गन को निकालना होगा क्योंकि कुछ ही टाइम में मिलिट्री वालों की एंट्री होती ही होगी।
ओके तो यहाँ पे मैंने एक बंदी को मार भी दिया है एंड गाइस यहाँ पे सर्वाइव द रेड आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे इसे प्रोटेक्शन देना होगा। ओके तो यहाँ पे मैंने एक दो बंदे को निपटा दिया है एंड गाइस यहाँ पे 25% कैश बैग में डल चुकी है। तो यहाँ पे कुछ ही टाइम में हम लोग काफी ज्यादा मिलियनर बनने वाले हैं, मतलब ढेर सारा पैसा होगा। एंड यहाँ पे जल्दी से जल्दी इन गार्ड को निपटाते हैं। ओके तो यहाँ पे एक दो बंदे और मर चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे 50% कलेक्ट हो चुका है मनी। ओके तो फिलहाल मुझे यहाँ पे बस एक दो मिलिट्री वालों को ही मारना है एंड यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट रॉबरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे 100% कैश कलेक्ट हो चुका है एंड कुछ ही टाइम में निको ये बैग लेके जाएगा बाहर। एंड गाइस यहाँ पे मुझे बस एक दो बंदों को ही निपटाना है। ओके तो यहाँ पे ये बैग लेके भाग रहा है एंड अभी ना मुझे इस पे शक हो रहा है कि कहीं ये बैग लेके भाग ना जाए एंड हमारी सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। ओके तो यहाँ पे मुझे जल्दी से निकलना होगा, बट ये लेजर को ज्यादा ही डैमेज दे रहा है। एंड गाइज मुझे यहाँ पे रेलिंग को टाप के जल्दी से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ही टाइम है और भी मिलिट्री वाले आते होंगे। ओके तो यहाँ पे फिलहाल निकलते हैं। ऑलराइट गाइज, तो फिलहाल मेरे हाथ एक एआई वेपन लग चुका है तो काफी आसान होगा यहाँ से बाहर निकलने में। जो भी मिलिट्री वाले सामने आएंगे उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। एंड गाइज अभी ना मुझे रास्ता पता है क्योंकि गाइज जिस डोर से मैंने एंट्री लिया है वहां से ही मुझे निकलना होगा। ओके तो यहाँ पे काफी ज्यादा मिलिट्री वाले बाहर में आ चुके हैं एंड इनकी और भी गाड़ी आती होगी। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे मुझे एक एक करके इनको फिनिश करना होगा तभी मैं बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि ये लोग डोर पे ही खड़े हैं एंड इनसे छुप के निकलना मुश्किल होगा। बट वेट, यहाँ पे निको को शायद से गोली लग चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे सारी मिलिट्री वाले ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। ओके तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अभी ना मुझे निको के पास जाना होगा क्योंकि पैसे का बैग उसी के पास है एंड उसको गोली लग चुकी है। ओके तो ये रहा सामने एंड ये तो शायद से उठ भी नहीं पाएगा एंड शायद ये कुछ बोल रहा है। ओके तो ये मुझे इस पैसे का बैग दे रहा है एंड बोले कि मुझे छोड़ के यहाँ से निकल जाने के लिए। एंड गाइस अगर ये बचा तो मेरे पास आ जाएगा पैसे लेने। ओके तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। ओके गाइस, तो पीछे से काफी ज्यादा गोली भी चल रही है एंड मुझे डैमेज भी पड़ रहा है। ओके तो इस कार में बैठते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारी लूट हो चुकी है एंड पैसे का बैग मेरे ही पास है, बट हमारा पार्टनर शायद से मर चुका है, पता नहीं क्या हुई होगा उसका। ओके तो अगर वो बच गया तो मेरे पास पैसे लेने आ जाएगा। एंड गाइस वेल गाइस, अभी ना मैं मस्त से लूट करके घर में आके कोई टीवी शो देखने वाला था, बट देखो न्यूज में क्या रहा है, यहाँ पे सिटी बैंक में तगड़ी वाली रॉबरी हो चुकी है एंड ये काफी कुछ बता रहे। ओके गाइस, तो ये काफी सही हुआ ताकि आगे कोई पंगा लेने से डरेगा एंड मैं और भी काफी सारी मिशन को कंप्लीट कर सकूं। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल अभी घर से बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पुलिस का भी खतरा नहीं है एंड अपन पास काफी ज्यादा पैसा हो चुका है तो मुझे उसे कहीं इन्वेस्ट करना है। एंड गाइस यहाँ पे ये कार गंदी तरीके से डैमेज हुई है, मतलब देख सकते हो कि डोर या फिर इसका आगे का शीशा भी टूट चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई सुपर कार बाय करूँ एंड इसके लिए मुझे कोई शोरूम जाना होगा। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल भी कार में बैठते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। एंड गाइस अभी कार ड्राइव करके मुझे शोरूम ढूंढना होगा तभी मैं कोई सुपर कार बाय कर सकूंगा एंड शोरूम में जाने के बाद डिसाइड करूंगा कि कौन से सुपर कार लूं। ओके तो फाइनली मैं आ चुका शोरूम के पास एंड अभी कार को पार्क में लगाते हैं एंड इस कार को मुझे फिर से मॉडिफाई भी करवाना है एंड काफी कुछ सही करवानी है। ओके तो सुपर कार आने वाला है तो मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करने वाला हूँ। ओके तो फिलहाल भी शोरूम में एंटर करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे कई सारी व्हीकल देखने को मिल रही है, बट गाइज इन सारे व्हीकल की कलर रेड है तो चलो कोई नहीं, सही लग रहा है। एंड अभी एक एक करके सारे व्हीकल को देखते हैं कौन सी तगड़ी सी व्हीकल है। ओके तो यहाँ पे कुछ किडनैपिंग गाड़ी भी देखने को मिल रही है एंड वेट, ये रहा शायद से फरारी कार है, मुझे इसका नाम प्रॉपर पता नहीं है बट ये काफी सही लग रही है एंड लग्जीरियस कार है। ओके गाइस, तो यहाँ पे दो दो तगड़ी सी स्पोर्ट कार देखने को मिल रही है एंड इस कार में कुछ ज्यादा स्पीड होगा लेकिन ये देखने में कुछ खास नहीं लग रही है। लेकिन ये जो फरारी है इसकी लुक आप देख सकते हो कितनी सही लग रही है एंड एक बार इसे मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। एंड गाइस ये कुछ ज्यादा ही लग्जीरियस है एंड स्पोर्ट भी है तो काफी सही होगा। ओके गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे ही बाय करूँ। ओके गाइस, तो एक बार इसे इसमें बैठ के दिखाता हूँ। एंड गाइस आप इस कार का इंटीरियर लुक देख सकते हो कितना तगड़ा देखने में लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल इसे बाय करते हैं एंड यहाँ से लेके चलते हैं। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है। ओके तो एक बार इसे मैं इसका आपको ड्राइविंग टेस्ट देने वाला हूँ, मतलब इसमें कैसी स्पीड देखने को मिलती है एंड इसका कंट्रोल कैसा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसे रोड पे भगाते हैं एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड पे भगाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसमें फ्लेयर वगैरह भी देखने को मिल रहा है जो कि कार को ड्राइव करने टाइम निकलता है एंड ये काफी सही लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल इसकी स्पीड टेस्ट लेते हैं। ओके गाइस, तो इस कार में एक तगड़ी से स्पीड देखने को मिल रही है एंड इसका कंट्रोल भी सही है। चलो कोई नहीं गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस आई होप ये गेम प्ले वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस गेम के ऊपर और भी गेम प्ले वीडियो आना चाहिए जिसमें आपको कोई नेक्स्ट मिशन या फिर कोई सुपर कार बाय करके दिखाओ तो कमेंट बता सकते हो। एंड गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।